पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, चाहे जितना महंगा तोहफा दे दो लेकिन आपके घर वाले गुणगान तो आपकी बड़ी भाभी के ही गाते हैं। गुस्से से निधि के स्वर आज तेज हो गए थे। धीरे बोलो निधि, भूलो मत तुम संयुक्त परिवार में रहती हो, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुनने दो, मैं पूछती हूं, जब हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हम दोनों आपके छोटे भाई बहन की भाभियां हैं, तो फिर सम्मान की हकदार सिर्फ बड़ी भाभी क्यों? क्यों सब सिर्फ उनकी सुनते हैं, उनसे ही सलाह लेते हैं? मुझे क्यों नहीं मिलता वो सम्मान? किस बात में कम हूं उनसे? रूप भी बढ़कर है और दहेज भी भर भर कर लाई हूं। निधि, आज तुम्हारे सवालों के जवाब में बस इतना ही कहूंगा कि लोगों को उनका व्यवहार ही सम्मान दिलाता है, आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कह रजत तो ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन निधि अब सोच में डूब गई। व्यवहार ही सम्मान दिलाता है, ये शब्द निधि के मन को बेचैन कर रहे थे। क्या सच में मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं जेठानी जी के बराबर सम्मान की हकदार नहीं हूं? आज निधि के आगे पिछली सारी बातें चक्र की तरह घूमने लगी। निधि की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। निधि का मायका उसके ससुराल से अधिक संपन्न था। उसके पिताजी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने रजत की नौकरी और उसके घर वालों का स्वभाव देख अपनी लाडली बिटिया की शादी रजत से कर दी। रजत के घर में उसकी माँ, बाबूजी, बड़े भाई भाभी और दो छोटे भाई बहन थे। परिवार बड़ा था लेकिन आपस में उतना ही स्नेह भी था। निधि बड़े घर से आई थी तो स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का घमंड भी था। वहीं रजत की भाभी देवकी अपने नाम स्वरूप ही थी। घर में हर वक्त सब देवकी को ही आवाज देते, चाहे बाबूजी की अदरक की चाय हो, अम्मा की दवाई या छोटे देवर राहुल और ननद काव्या के कॉलेज का कुछ काम हो। जब निधि ससुराल आई तो सबने उसे भी सिर माथे बिठाया, लेकिन निधि को इसकी परवाह कहां, हर बात में खुद को श्रेष्ठ दिखाती। निधि का घमंड भरा व्यवहार सबको दुखी कर देता। निधि का मायका समृद्ध था और खूब दहेज भी मिला। निधि के साथ आया सारा सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख किशोर व काव्या की आंखें फटी रह गई। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वयं ही मन आकर्षित हो जाता। देव की भाभी के पास तो कितनी कम चीजें हैं, लेकिन निधि भाभी के पास तो तरह तरह की चीजें हैं। अब तो जब दिल करेगा बस निधि भाभी की ही चीजें इस्तेमाल करूंगी, भोली काव्या मन ही मन खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन निधि को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक काव्या लगाने लगी। तभी निधि कमरे में आ गई। काव्या को अपना ब्रांडेड मेकअप लगाते देख वो आग बबूला हो उठी और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसा ब्रांडेड मेकअप का सामान? आंखें दिखाती निधि काव्या पर बरस पड़ी। लेकिन भाभी, मैं तो देव की भाभी की भी चीजें बिना पूछे ले लेती हूँ, डरते डरते काव्या ने कहा। तो व्यंग से निधि हंस पड़ी। कौन सी चीजें, वो सस्ती ब्रांड की? अच्छी बात है, लेती हो तो। अब जिसकी जितनी हैसियत होगी वो वही तो इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ, आइंदा याद रखना, मेरी चीजों को बिना मेरी इजाजत हाथ ना लगाना। निधि ने बातें सुनाई थी काव्या को, लेकिन आहत पूरा परिवार हुआ था। घर की शांति और रजत को दुख ना हो इसलिए सब मौन साधे रहे। निधि का व्यवहार उसे घर परिवार से दूर कर रहा था। पहले जहां निधि से सब बातें करते रहते, अब बस काम की ही बात होती। सब सिर्फ देवकी को आवाज लगाते जिससे निधि चिढ़ जाती। इसी बीच काव्या का जन्मदिन आया। निधि ने एक महंगा सूट तोहफे में दे दिया। शाम को यही सूट पहनना काव्या, लेटेस्ट है और ब्रांडेड भी। जानती हो कितने में आया है? पूरे 5,000 में। निधि की बातें सुन काव्या ने मुस्कुराते हुए तोहफा ले लिया और एक और रख दिया। ये क्या पहन लिया काव्या, वो सूट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? शाम को केक काटते वक्त काव्या को साधारण सलवार सूट में देख निधि चौंक उठी। निधि भाभी, वो ब्रांडेड सूट पहनने की अभी मेरी ना उम्र है ना हैसियत। अभी तो मैं देव की भाभी के हाथों का सिला ये सूट ही पहनूंगी। लेकिन हाँ, जिंदगी में जब कुछ बन जाऊंगी तब जरूर पहनूंगी आपका दिया हुआ 5,000 का ब्रांडेड सूट। काव्या की बात सुन निधि को काटो तो खून नहीं की स्थिति हो गई थी। और जब निधि ने रजत से शिकायत की तो रजत ने उसके व्यवहार पर ही उंगली उठा दी। रजत के कहे कुछ शब्द मात्र ने निधि के सामने उसकी सारी गलतियों को खड़ा कर दिया था। चाहे अम्मा बाबूजी की बात काटना हो, या छोटी छोटी बात पर राहुल और काव्या को डांट देना हो, या फिर बहन समान जेठानी की हैसियत गिनवा देना हो, बहुत आम बात हो गई थी निधि के लिए। और जब रजत कुछ कहता या टोकता तो निधि रजत से भी उलझ पड़ती। अपनी हर गलती आज निधि के सामने थी। सच कहा था रजत ने, देव की भाभी के सम्मान का कारण सिर्फ उनका व्यवहार था। निधि अपने ससुराल वालों से
अपना मान और सम्मान तो देवकी समान चाहती थी, लेकिन उसका व्यवहार किसी गैर से कम ना था। फिर कैसे पाती वो सम्मान देवकी जैसा? दिखने में छोटी लगने वाली ये बात निधि समझ चुकी थी और मन ही मन एक फैसला भी कर लिया था कि देर से ही सही, लेकिन ससुराल में खोया उसका मान सम्मान अब वो अपने अच्छे व्यवहार से ही वापस हासिल करेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।